बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा मैंने आपको बताया था, यूपी एनएचएम 17,000 का रिजल्ट आपका डिक्लेयर हो जाएगा 1 से 2 दिन में। और डियर साथियों, आपका रिजल्ट फाइनली आ चुका है। जी हाँ साथियों, 17,000 का रिजल्ट आ चुका है, वो भी स्टाफ नर्स का। चलिए मैं आपको डायरेक्ट लिस्ट पर ले चलता हूँ डियर साथियों। जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं, यूपी एनएचएम की ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशन ऑफ स्टाफ नर्स। जी हाँ साथियों, स्टाफ नर्स का रह गया था, स्टाफ नर्स का फाइनल आ गया है। प्रोग्राम वाइज है, एडवर्टाइजमेंट नंबर देख सकते हो, 17,000 रिक्रूटमेंट ड्राइव ऑफ एनएचएम यूपी ऑन डेट 26/11/2022। जी हाँ साथियों, इसमें आप लोग अपना एप्लीकेशन नंबर देखेंगे, एप्लीकेशन नेम देखेंगे, फादर्स नेम देख लीजिए, कैटेगरी देख लीजिए और आपका यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट देख लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी साथियों को, बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं इस रिज़ल्ट का। दोस्तों, आप लोग देख सकते हो, सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी आप सबको इसी चैनल के माध्यम से मिलती है। सबसे पहले आपको ये लिस्ट बताई जा रही है साथियों, ठीक है। आप लोग सोचते होंगे कि इसका रिज़ल्ट क्यों नहीं आ रहा, तो फाइनली मैंने आपको बता दिया, इसका रिज़ल्ट आ चुका है। सभी कैंडिडेट्स के लिए फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई, जिसका इंतज़ार था वो आज ख़त्म हो चुका है साथियों। इसमें जो इसकी लेटेस्ट अपडेट है वो भी हम आपको बता देंगे डियर साथियों। बहुत बड़ी लिस्ट है, कई लोगों ने इसमें फॉर्म लगाए, उन सभी का यहाँ पर रिज़ल्ट आ चुका है। 226 पेज की ये लिस्ट है, ठीक है। तो फाइनली आपका सिलेक्शन हो चुका है, देख लीजिए। जैसे कोई इसके रिगार्डिंग लेटेस्ट अपडेट मिलेगा, सबसे पहले बताएंगे। पहले आप अपना नाम चेक कर लीजिए, उसके बाद में आप नेक्स्ट जो भी रहेगा अपडेट वो बताएंगे। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा है, लाइक कर दीजिए। थैंक यू।